नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे यदि आपके मोबाइल पे एसएमएस वर्क नहीं कर रहा है तो कैसे आप ठीक कर सकते हैं आसानी से। आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यदि एसएमएस वर्क नहीं कर रहा है आपके मोबाइल में किसी भी कंपनी का सिम है, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, वोडा हो, आइडिया हो, कोई भी कंपनी का अगर सिम है और आपका एसएमएस वर्क नहीं कर रहा है तो बिल्कुल ही आप ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे, क्या क्या जानकारी रखना पड़ेगा, कैसे ठीक होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। यदि आपने हाल ही में सिम कार्ड को स्वैप किया है यानी कि खो गया था और आपने दोबारा से फिर सेम नंबर का सिम निकाला है या फिर आपने सिम स्वैप कराया है या फिर पोर्ट आउट किया है तो वैसे में आपको ये समस्या होता है तो इसका क्या है सॉल्यूशन, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन एक छोटा सा निवेदन, आप लोग एक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपका एसएमएस वर्क नहीं कर रहा है आपके मोबाइल पे एयरटेल, जियो, वोडा किसी भी कंपनी का सिम है तो आप आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये प्रॉब्लम आता क्यों है, ये प्रॉब्लम ज्यादातर उन ग्राहकों को आता है जिन्होंने हाल ही में पोर्ट कराया हो या फिर सिम को स्वैप कराया हो, यानी कि आपका सिम खो गया हो और सेम नंबर का आपने नंबर निकाला हो या फिर किसी एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में आपने सिम को पोर्ट आउट कराया हो तब भी ये प्रॉब्लम आता है। तो इसका सॉल्यूशन एक छोटा सा है, काम क्या करना पड़ेगा आपको बता दें। सबसे पहले आपको छोटी सी जानकारी रखना है, जानकारी क्या रखना है, ट्रायल के नए नियम के अनुसार आपको बता दें सिम कार्ड पर यदि आप स्वैप या पोर्ट आउट करते हैं तो वैसे में एसएमएस जो है आपका 24 घंटे के बाद चालू होता है, यानी कि जब भी आप सिम दोबारा रीएक्टिवेशन कराते हैं तो उसके 24 घंटे बाद आपका एसएमएस सर्विस चालू होता है।